आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। चिरकुंडा के मॉडर्न स्कूल में अभिभावकों ने पहुंचकर एक समूह बनाकर विद्यालय प्रबंधन समिति के समक्ष एक मांग रखी। अभिभावकों के द्वारा पढ़ाई के स्तर को सुधारने तथा लॉकडाउन के दौरान स्कूल में पढ़ाई नहीं होने की वजह से ट्यूशन फीस एनुअल चार्ज को विद्यालय द्वारा नहीं लिए जाने को लेकर अभिभावकों का समूह विद्यालय के प्रिंसिपल से मिलने के लिए पहुंचा। मॉडर्न स्कूल के अभिभावकों का समूह ने लिखित आवेदन बनाकर विद्यालय प्रबंधन को देने के बाद किया, जिसमें यह प्रबंधन से अभिभावक समूह ने मांग की है कि लॉकडाउन के दौरान जब क्लास नहीं चली है तो ट्यूशन फीस विद्यालय प्रबंधन को नहीं लेने चाहिए तथा अन्य चार्जेस जो विद्यालय द्वारा निर्धारित हैं उसे नहीं लेना चाहिए। वहीं अभिभावकों का कहना था कि रीएडमिशन का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, फैसला आने के बाद ही विद्यालयों को यह चार्जेस लेने के। वहीं सरकार की जो नियमावली है उससे संबंधित जो चार्ज बनते हैं वह विद्यालय ले सकता है। जैसे ऑनलाइन पढ़ाई विद्यालय में कराई गई है उसका चार्ज शिक्षक को मिलना चाहिए। ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान बच्चों की पढ़ाई नियमित रूप से नहीं हो पाई है तो विद्यालय आखिर किस बात की फीस ले रहा है। इन्हीं बातों को लेकर अभिभावकों का समूह मॉडर्न स्कूल के प्रबंधन से मिलकर अपनी बात रखी, जिसके बाद प्रबंधन ने अभिभावकों फीस देने की बात कहा मगर अभिभावक फीस नहीं देंगे। इस बात को लेकर मॉडर्न स्कूल के गेट को जाम कर दिया गया। हाँ सर, क्या प्रॉब्लम है आपको इस स्कूल से? एसजीडी मॉडर्न स्कूल या फिर कोई भी स्कूल, अभी के समय में फीस लेने को लेकर जिस तरीके से सभी अभिभावकों को मजबूर कर रही है वो सरासर नाइंसाफी है। जब आदमी को दो वक्त की रोटी नहीं जुट रही है इस बेरोजगारी के कारण, आपको ये पता है कि करीब 60% बेरोजगारी दर अभी के समय में है। अगर 100 में से 60 गार्जियन बेरोजगार है तो कहाँ से आखिर हम लोग फीस पे करेंगे? हमें खुद को खाने के लिए नहीं जुट रहा है, हमारे पास में 20 रुपया नहीं है कि हम जन वितरण प्रणाली का राशन उठा सके, तो हम 2000 रुपया कहाँ से ला के दे सकेंगे स्कूल को? और आप जो बात करते हैं कि क्या उस व्हाट्सएप वीडियो पे पढ़ाई सही से हो रहा है क्या, लेकिन हाँ आप क्या कह रहे हैं कि फीस लेंगे, फीस नहीं देंगे तो बुकलेट नहीं देंगे, मजबूरी नहीं, यहाँ पर ब्लैकमेल किया जा रहा है। धन्यवाद। स्कूल के सामने आप लोग जुटे हुए अभिभावक बन, वजह क्या? वजह ये है कि हम लोगों का बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है, हम तमाम गार्जियन लोग, आज तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, सैकड़ों की संख्या में गार्जियन लोग हैं, आज स्कूल अपना मनमानी कर रहे ये मॉडर्न स्कूल। इनका कहना है कि आप अप्रैल से मैंने टिल डेट आज तक मैंने पिछले महीना अगस्त तक का आप ये सब फीस दे दीजिए, ठीक है, तब हम कहीं ना कहीं अभी प्रचल होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा हो रहा है तब हम देंगे, ठीक है। सरकार का जो भी आदेश निकला कि आपको जो है सो शुरू में भी निकला था कि नहीं देना है, आज इस लॉकडाउन हम तमाम गार्जियन आज इतना इतना पैसा एक साथ में कहाँ देंगे, और ये ऑनलाइन का पढ़ाई करते हैं जो झूठ मूठ का इनका एक तो मैसेज पहले भेजते थे व्हाट्सएप मैसेज से, बच्चे लोगों को क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है, वो भी ये बंद कर दिए हैं, ऑनलाइन वाली बंद कर दिए हैं। हम तमाम गार्जियन को मैसेज के माध्यम से एक मैसेज भेजा जा रहा है कि आप जो है सो अप्रैल से टिल डेट तक आप जो है सो फीस जमा करेंगे तभी आपको जो है सो हम लोग बुकलेट देंगे, नहीं तो हम लोग नहीं देंगे। तो आप लोग का क्या कहना है? हमारा कहना है कि हम इतना पैसा कहाँ से लेंगे, जब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जब माननीय न्यायालय के शरण में गया है तो न्यायालय का जो आदेश है, हम सभी गार्जियन हम न्यायालय से भी दरख्वास्त करेंगे कि कम से कम तमाम लोग आज जो स्थिति परिस्थिति है यही स्कूल, हम तमाम गार्जियन को आज जो है सो ये आत्महत्या जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा है। आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं माननीय हेमंत सोरेन सरकार से, शिक्षा मंत्री जी से और यहाँ के जिला अधिकारी और शिक्षा अधिकारी जी से यह आग्रह करते हैं अपने तमाम अभिभावक संघ की ओर से, अभिभावक लोगों की ओर से, कि हम लोगों पर विचार किया जाए और इस मॉडर्न स्कूल के इस मनमानी को अविलंब रोका जाए। अभी और भी कुछ बोलेंगे भाई?